अभी आज हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट फंक्शन। जैसे कि आपका प्रोडक्शन फंक्शन है ना, वो आपका इनपुट आउटपुट में रिलेशनशिप बनाना था। यानी इनपुट मतलब आपके जो भी वेरिएबल्स आप यूज़ कर रहे हैं, एंड आउटपुट मतलब योर प्रोडक्शन। ठीक है, इन दोनों में आपका रिलेशनशिप बना रहा था आपका प्रोडक्शन फंक्शन। जो आपका कॉस्ट फंक्शन है, ये आउटपुट एंड कॉस्ट में आपका रिलेशनशिप बनाएगा। ठीक है, कॉस्ट एंड आउटपुट में रिलेशनशिप बनाता आपका कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, ये भी ना आपका टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा। अब आपको ना टाइम का पता होना चाहिए। शॉर्ट रन का मतलब यहाँ पर वहाँ पर कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ आपके वेरिएबल, एटलीस्ट वन तो आपका फिक्स्ड है। लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, या कोई रेलेवेंस ही नहीं है लॉन्ग रन में इन दोनों में, इनका डिफरेंस फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का, सिर्फ शॉर्ट रन में आपका मायने रखता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपकी जो थ्योरीज है ये कौन सा शेप बनाती है, हम आगे बात करेंगे। इससे पहले आप ये देखते हैं कि कौन कौन सी कॉस्ट होती है। अब बात करते हैं शॉर्ट रन की। शॉर्ट रन में कौन कौन सी कॉस्ट होगी? शॉर्ट रन में आपकी कॉस्ट होगी टोटल भी, शॉर्ट रन में कॉस्ट होगी आपकी एवरेज भी, शॉर्ट रन में आपकी कॉस्ट होगी मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ओके, ठीक है, आ जाइए आप। देखिए भाई, आपके पास क्या है, आपके पास हम देख रहे हैं, इधर तो ले लिया मैंने आपकी जो यूनिट है, जो भी आप लगा रहे हो लेबर ऑन कैपिटल, जो भी आप कह रहे हो। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट रन की। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि कैपिटल या लैंड, आप कोई भी ले लीजिए, ये आपकी फिक्स्ड है। मैंने लिखा 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। यहाँ पर मैंने लिखा यूनिट ऑफ लेबर। अब यहाँ इसकी एक यूनिट, देखो एक और बात है, अगर मैं इसकी तो वन रहेगी, इस पर मैं कोई लेबर लगाऊंगा ही नहीं, तो कोई प्रोडक्शन भी आपका नहीं होगा, ये आपको क्लियर है। हम बात कर रहे हैं कॉस्ट की। ठीक है, चलो कॉस्ट की भी देखते हैं। वन, ये टू लगाई, ये थ्री लगाई, ये फोर लगाई, ये फिफ्थ सिक्स सेवन, सेवन तक लगा लेते हैं। ठीक है, मैं प्रोडक्शन की जगह अभी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ टोटल कॉस्ट। प्रोडक्शन जो भी यूनिट हो रही है, मैं अभी आपको नहीं दिखा रहा कितनी यूनिट प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, आपको एक बात पता है कि फिक्स कॉस्ट, आप एक भी रुपए नहीं बनाओगे ना, एक भी यूनिट नहीं बनाओगे तो भी आपकी फिक्स है। यानी ये यहाँ पे भी 10 होगी, यहाँ पर भी 10, 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 यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी, एक यूनिट भी नहीं बनाओगे तो भी आपको 10 लगेगी। ठीक है, प्रोडक्शन हम करते जा रहे हैं। बात करी हमने वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट जैसे प्रोडक्शन करोगे वैसे लगेगा, जीरो प्रोडक्शन, जीरो आपकी वेरिएबल कॉस्ट। एक यूनिट बनाई मैंने कहा, एक यूनिट बनाने पर आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 15 रुपीज की। ठीक है, दूसरी यूनिट पर आपने जब लगाई वेरिएबल कॉस्ट, तो हो सकता है आपकी वो पहले बढ़ती हुई आती है, मान लो 18 रुपीज आ गई। ठीक है, फिर आपकी आ गई 20 रुपीज, फिर आपकी कम होनी शुरू हो गई, मान लो 17 हो गई है। ठीक है, फिर आपकी 15 हो गई है, फिर आपकी 14 हो गई है, फिर आपकी ये 10 हो गई है। इतना ही मैं ले रहा हूँ डेटा आपको उनके लेने के लिए। ये आपकी हो गई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपको पता है फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आपकी हो गई 10, ये आपकी हो गई 25, ये आपकी हो गई 28, ये हो गई आपकी 30, और ये हो गई आपकी 27, ये आपकी 25, ये आपकी 24, और ये आपकी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई टोटल कॉस्ट। वेरी गुड, हमने बात की किसकी, मार्जिनल कॉस्ट की। चलो पहले आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं, पहले हम एवरेज निकाल लेते हैं, हम पहले निकाल लेते हैं एवरेज कॉस्ट। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज कॉस्ट। अब आपने देखा कि एवरेज कॉस्ट तीन तरीके से निकल सकती है। पहले देखो, हम एवरेज में मैं निकालता हूँ टोटल एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का एवरेज कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट का एवरेज, तो मैंने देखो यहाँ तो जीरो बनी आपकी फर्स्ट वाले के साथ, दूसरे के साथ क्या बनी, टोटल कॉस्ट आ गई आपकी, ये सॉरी, ये तो आपकी आ गई 10 डिवाइड में आपके जीरो, तो इन्फिनिटी बन गई है, तो कोई इशू नहीं है इसका। सेकंड आपकी 25 डिवाइड में 1, तो एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई 25। 28 आपकी दूसरी आई, तो ये कितनी बनी आपकी, कितनी बनी 14, फिर आपकी बनी 10, फिर बनी आपकी 9, और फिर आपकी बनी 5। ठीक है, देखो ना कैसे निकला, पता लग रहा है आपको, मैं डिवाइड करते जा रहा हूँ,
समझ में आ रहा है ज्योति कैसे आ रहा है? ये तो देखो मैंने क्या किया, ये टोटल कॉस्ट है, मैंने किया टोटल कॉस्ट डिवाइड में क्वांटिटी, और क्वांटिटी क्या है आपकी ये रही, ठीक है, ये 0.25 डिवाइड में 1, 28 डिवाइड में 2, 30 डिवाइड में 3, 27 डिवाइड में 4, 25 डिवाइड में 5, 24 डिवाइड में 6, तो ये कितनी आ गई आपकी 4, और 20 डिवाइड में 7, तो ये आपकी आती है 2.88। कॉस्ट निकाल दिया आपने, एवरेज कॉस्ट, बहुत बढ़िया। अब इसी का ना एवरेज के दो पार्ट हो सकते हैं, एवरेज के दो पार्ट हो सकते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज आपकी वेरिएबल कॉस्ट, हो सकते हैं ना एवरेज का, ठीक है। एक बार अब आपको एवरेज समझ में आ गया, कोई बात नहीं, अब मार्जिनल समझिए। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल क्या होता है आपको पता है, एडिशनल यूनिट की कॉस्ट, तो पहले का था तो कुछ नहीं है, दूसरा क्या है 10 माइनस में इसे वो वाली ऊपर वाली, तो कितनी आ गई 10, 25 में से 10 गए 15, ये मार्जिनल कॉस्ट आ गई, 28 में से आपके 25 गए, टोटल कॉस्ट कहाँ पे ये रही, कोई बात नहीं, ये एवरेज कॉस्ट के ही रूप में ले लिया, ये तो ठीक है आपको समझ में आया। इसको हम ठीक भी कर सकते हैं कि भाई इसको टोटल करने के लिए 15 0 आपका 10, मतलब ये इसका आना था 10 प्लस में 15, तो ये आया 25, यहाँ पर क्या है 25 तो पहले हो चुकी थी ना, अब 18 और आई है आपके पास, तो यहाँ पर आपकी क्या आ जाती 33 आती है टोटल कॉस्ट, ठीक है ना, आई समझ में आनी, मैं इसको कराऊँ रेक्टिफाई, आपको समझ में आ गई ये बात, ये नहीं आई तो दोबारा कर सकते हो, कोई नहीं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट हमेशा माइनस होकर चलेगी, मैंने कहा कि आप मान लो अभी यही टोटल कॉस्ट आपकी, टोटल कॉस्ट अब आपकी ऐसे चलेगी, ये कितनी आई आपके पास 25 में 28 गया 3 आया, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम हो जाए, जैसे यहाँ पर आपकी आएगी ना मार्जिनल कॉस्ट आगे कम हो जाएगी 24 से लेकर 25, ये देखो यहाँ से आगे कम हो रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मार्जिनल कॉस्ट कम तो ज़रूर होगी ऐसे, लेकिन माइनस में नहीं जाएगी, वापस बढ़ना शुरू हो जाएगी, आई समझ में आ गई आपको ये मार्जिन क्या होता है, मार्जिन हमेशा आपकी वेरिएबल होती है। अब वापस आ जाओ वहीं पे, देखो ये जो चीज़ थी, अब ये जो टोटल कॉस्ट थी, आपने देखा कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल होती है, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। बात करी एवरेज कॉस्ट की, अब एवरेज कॉस्ट में आपने देखा था कि फिक्स कॉस्ट भी है, तो फिक्स कॉस्ट है तो हम इसका एवरेज निकाले, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा, वो कैसे निकलेगा फिक्स कॉस्ट डिवाइड में क्वांटिटी, यही बात है ना, और उस वहाँ पर यही आना एक बार, ये आपकी फिक्स कॉस्ट है सारी 10 10 10। अब इसको अगर आप एवरेज कॉस्ट निकाले, इसकी एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालेंगे हम, तो फर्स्ट यूनिट के साथ जब आएगी आपकी, तो वो तो आएगी 0 10, ये देखो ये 0, ये 1, ये 2 के साथ आ गई 5, और 3 के साथ आ गई आपकी 3.33, 4 के साथ आ गई 2.5, 5th के साथ आ गई 2, और 6th के साथ आ गई आपकी 1.88, आई समझ में या नहीं आई है, क्लियर है यहाँ तक। और जब इसको मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ तो इस तरीके से बनेगा, 0 के साथ ये बनी, 1 के साथ आपकी क्या आई 10 के अकॉर्डिंग आ गई, मतलब ये 10 आ गई 1 के साथ, और फिर 2 के साथ इस तरीके से 5 पे आ गई, और फिर ऐसे ऐसे कम होती हुई ऐसे जा रही है, और ये क्या बनी आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट, आ गई समझ में। और इसमें क्या बन रहा है आपका, ये याद रहेगा ना, स्लोप इक्वल नहीं है, अनइक्वल, किसी भी पॉइंट मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो भी ईडी वन है, इलास्टिसिटी वन है, यहाँ लगा रहा हूँ तो भी इलास्टिसिटी वन है, एएफसी और आपका जो आपका यूनिटी डिमांड होती है वहाँ पर आपका दो जगह बनता है आपका, इलास्टिसिटीज में जब आपने पढ़ा था तो जहाँ पर यूनिटी डिमांड है तभी अनइक्वल स्लोप है, तभी यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना, यहाँ पर भी आपको बना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए दो कंडीशन है, क्या कंडीशन है इसकी, कंडीशन है कि एक तो हर एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी होगी वन, और स्लोप क्या होगा अनइक्वल। अगर आपको स्लोप की जगह ये वर्ड मिल जाए ना तो एक ही बात है, कभी आप गलत समझो, कोफिशिएंट वर्ड मिल जाए ना तो भी आप उसको एक ही इसी चीज में काउंट करेंगे। एएफसी का समझ में आ गया आपको। अब बात आई वेरिएबल कॉस्ट की। अब वेरिएबल कॉस्ट को जब आप निकालते हो, वेरिएबल कॉस्ट क्या आपकी, ये देखो फिक्स कॉस्ट वाला, देखो ये क्लियर है, ये क्लियर है, बात आई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट है
टोटल आपकी निकल के आएगी, जिसे हमने टोटल ऐड करते जाना है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की चलेगी, पर यूनिट का मतलब कि हर एक यूनिट की कितनी कॉस्ट आई। जैसे हमने उसी केस को ना एक बार मैं फिर से रिकॉल कराता हूँ आपको, ये चीज है ना आपकी, ये पर यूनिट की कॉस्ट दे रखी है। एक मिनट रुको, ये ना आपकी हर एक एडिशनल यूनिट के साथ जब आपकी कॉस्ट बढ़ रही है तब इस तरीके से आ रही है, और वो जो आपका आ रहा है ये आपकी देखो 10 वेरिएबल कॉस्ट, इसके साथ हमने जब की तो हमने कहा 15 आई, दूसरी वेरिएबल बनाई तो हमारी आ गई 33। ये वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी स्टार्ट में, ठीक है। फिर आपकी तीसरी यूनिट बनाई तो आपकी जब कॉस्ट आई वो आपकी आ गई मान लो 48, ठीक है। फिर आपकी आ गई 60, ठीक है। फिर आपकी हो सकता है कि 72 आ जाए, वेरिएबल कॉस्ट बता रहा हूँ मैं, ये आपकी 70 लगा लो। फिर आपकी आ जाए मान लो कम हो गई, अब आपने फिर से बढ़ा दिया, फिर आ जाए 84। फिर आपकी आ जाए 96 98, इस तरीके से आ गई आपकी। ये है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी हर यूनिट के साथ, वेरिएबल कॉस्ट है। अब मैं इसी के साथ में एक निकाल सकता हूँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, हर यूनिट की एवरेज निकाल सकता हूँ। फर्स्ट के साथ कुछ नहीं आएगा, सेकेंड के साथ 15 आ गया, इसके आ गया आपके पास 16.5, इसका आ गया 16, तीन के साथ आ गया 16, इसके पास आ गया आपके पास 15 आ गया, और इसके पास फिर क्या आ गया आपके पास 5 के साथ 14 आ गया, इसके पास कितना आया 84 डिवाइड में 6 कितना आता है 14 ही आ गया, ठीक है। उसके बाद कितना आया 98, तो ये फिर से 14 आया। चलो ये एक कोइंसिडेंटली हो गया कि आपके एवरेज कॉस्ट इस तरीके से आ गई, ठीक है। मैंने इसको मान लिया, मान लो इसका मैंने मान लिया 108, तब कितनी आती है आपके पास 108 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 18 आता है साइज, है ना, तो ये आया आपके पास 18। अब ये जो इसका शेप बनेगा ना, इसका इस तरीके से बनता है, जो शेप बनेगा इस तरीके से कम होते हुए मिनिमम जैसे 14 पे गई और वापस ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएगा एवरेज कॉस्ट का। ये आगे आपको समझ में आई जाएगी ऐसा होता क्यों है। अभी ये समझो कि ये कॉस्ट कैसे निकले, ये निकालनी आ गई ना आपको कि एक फर्स्ट यूनिट की आपकी कॉस्ट ये आ रही थी, सेकंड ये एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट का तो कहो कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे कैसे है 0, 15, 33, 48, मतलब इंक्रीज ही हो रही है ना, तो इस तरीके से बनेगा ये, मतलब पहले ऐसे कम होएगी फिर एकदम से बढ़ जाएगी, तो ये क्या बनी आपकी वेरिएबल कॉस्ट, और यह क्या बनी आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, पहले कम होगी फिर एकदम से ये बढ़ेगी इस तरीके से। समझ में आई बात आपको, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे बना, वेरिएबल कॉस्ट कैसे बना, मैडम समझ में आया। फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनेगा, फिक्स कॉस्ट का ग्राफ आपका, फिक्स कॉस्ट का जो आपका ग्राफ बनेगा वो आपका इस तरीके से बनेगा, ये बन गया, ये आपके क्या है फिक्स कॉस्ट, और अगर आपने एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो ये इस तरीके से बनेगा। सारा निकल गया आपका, बहुत बढ़िया, आया समझ में, ठीक है। देखो भाई एक बार आप इस चीज़ को एक बार दोबारा से देख ले, मैं सारे ग्राफ एक साथ बना रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि ये सब आपको आ गए हैं, ठीक है। पहले मैं बना रहा हूँ टोटल का, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट देखो में दो पार्ट होते हैं, टोटल कॉस्ट में एक तो पार्ट होता है टोटल फिक्स कॉस्ट और दूसरा पार्ट क्या होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ तक क्लियर है, ठीक, ओके। दूसरा आपका बना एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट में भी इसी तरीके से दो आएंगे, एक तो है आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट और दूसरा आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरा जो पार्ट बना वो अभी आपका रहता है वो क्या आपका मार्जिनल कॉस्ट, और ये इसमें फिक्स कॉस्ट होती है, इसमें सिर्फ क्या होती है, इसलिए इसको वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। अब सभी के ग्राफ देख लो, अब आपने बताना है किस चीज का ग्राफ बना है, ये किसका है,
कौन सी फिक्स कॉस्ट? टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है, ये आपका फिक्स कॉस्ट, या इसको टोटल लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, ये बताना किसका है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, आपको ये भी समझ में आ गया, ये तो था आपका फिक्स कॉस्ट का और ये बना आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट का, बहुत बढ़िया। अब दूसरा बनाइए, अब बताना है आपने किस चीज़ का बनाया, वेरिएबल कॉस्ट ऐसे ही चलती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये बताओ किस चीज़ का है, टोटल कॉस्ट का, क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना इसका, ये वाला पार्ट, ये किस चीज का है, फिक्स कॉस्ट का, ये वाला पार्ट किस चीज का है, फिक्स कॉस्ट का, बहुत बढ़िया। ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई, आप पहले ये समझो, आगे समझ में, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपके बारी आई, इसको देखो, ये क्या आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये क्या आपकी एवरेज कॉस्ट, ये बिल्कुल ऐसे टच करके निकलेगा, ये थोड़ा सा घूम के निकलेगा, और कुछ इस तरीके का ही शेप किसका बनेगा, मार्जिनल कॉस्ट का, ये थोड़ा ज्यादा तेज गति से बढ़ेगा, एक बार ये क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। अभी क्लियर है आपको सारे डायग्राम, अब ये डायग्राम समझ में आ गए ना आपको, तो पूरी कॉस्ट स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा अपने आप, ठीक है, आपको ये सब समझ में आ गया है, टोटल कॉस्ट, इनका रिलेशन, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है, इनके डिफरेंट नेम, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, सप्लीमेंट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के नाम है ये, अनअवॉइडेबल अवॉइड नहीं कर सकते, वेरिएबल कॉस्ट को सप्लीमेंट करता है, ओवरहेड कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के क्या नाम है, वेरिएबल कॉस्ट के नाम है आपकी प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट या आपके अवॉइडेबल कॉस्ट, प्रोडक्शन ना करोगे तो कोई कॉस्ट आएगी भी नहीं, तो इसलिए इसको बोला गया अवॉइडेबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट देखा आपने कैसे कैलकुलेट करती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों का एवरेज कर लो और उसको टोटल कर दो तो भी आपका एसी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये वाला शेप, एसी कर्व आपका यू शेप्ड क्यों होता है, इसकी दो चीज़ें थी, पहले इंट्रैक्शन बिटवीन एबीसी एंड एएफसी, फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड वन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, पहले आपको इंक्रीजिंग रिटर्न से मिलते हैं, फिर कांस्टेंट से, फिर आपको डिमिनिशिंग से, तो इसलिए आपका जो एवरेज कॉस्ट का है वो आपका यू शेप का बन के आपके पास आ जाता है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। मार्जिनल कॉस्ट हमेशा आपका बड़ी एडिशन का लेता है, बहुत बार पढ़ चुके हो और आपने देखा कि कैसे बनता है, और इसका यू शेप होने का रीजन भी उसी तरीके से है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अपने मिनिमम पर पहुंची। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता है, जैसे प्रोडक्शन कर्व में क्या होता था, एमसीएम मार्जिनल प्रोडक्ट पहले मैक्सिमम पर पहुंचता था फिर नीचे आ जाता था, सेम ये भी नीचे मिनिमम पर पहुंचेगा वापस बढ़ेगा, वहां पर आपका इनवर्स यू शेप बन रही थी, यहां पर सारे यू शेप बनेंगे, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो इनमें रिलेशनशिप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एपी और एमपी में रिलेशनशिप पढ़ा था ना, सेम ऐसा होता है, कैसे, जब एसी गिरेगी मतलब एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट भी आपकी कम हो रही होगी, ठीक है, मैंने क्या कहा, एवरेज कॉस्ट आपकी कम हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट भी कम होगी, एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, पॉसिबल है, एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट का मैं जो मिनिमम पॉइंट है वो उससे पहले आ जाता है, वो नीचे से काटती है, यही तो बात हो रही है ना, मतलब ये भी पॉसिबल है, उस वहाँ पर प्रोडक्शन में था कि प्रोडक्ट बढ़ रहा है वो भी बढ़ेगी, वो कम हो रहा है वो भी कम होगा, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है तो वो भी, सेम यहाँ पर भी ये रूल लागू होता है, ए सी गिरेगी एम सी भी कम होगी, ठीक है, एम सी लेस देन ए सी, ठीक बात है नहीं, ऐसे बनता है ये कब, ये जो बनेगा वो इस तरीके से बन रहा है,
एमसी, ये एमसी नीचे रहेगा और जब बढ़ेगा तो उसे ऊपर रहेगा, जब गिरेगा तो एमसी कम होगी एसी से, और जब बढ़ेगा बढ़ेगा तब एमसी ज्यादा होगी एसी से, देख लो आपके सामने। और इसका मिनिमम पॉइंट है ये, और इसका मिनिमम पॉइंट है ये, इसके मिनिमम पर पॉइंट पर कट करेगा, तो यानी ये पॉसिबल है कि जब एसी गिर रही है एमसी गिरेगी, एमसी बढ़ रही है एसी बढ़ेगी, दो चीज हो गई। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि एसी अभी कम हो रही है और एसी वो अभी आपका बढ़ रहा है, सारी चीज पॉसिबल है। ठीक है मैडम, आया समझ में? तीनों चीज आपकी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये लिखा मैंने कि एसी तो कम हो रही है और एमसी आपकी बढ़ रही है, ये पॉइंट दिख रहा है ना आपको? ठीक है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब एसी बढ़ेगी तो एमसी ग्रेटर देन एसी, और जब गिरेगी तो एमसी लेस देन एसी, ये तीन पॉइंट याद करो, भूल जाओगे नहीं तो खराब हो जाएगा काम, डायग्राम से हो जाएगा, लेकिन आप समझिए कहीं आपको प्रॉब्लम ना आ जाए। इस पूरे ग्राफ में कई बातें हैं, उसके मिनिमम पर पॉइंट पर काटेगी, ये भी है, तीन चार बातें तो यही होगी। एपी एपी एमपी के मैक्सिमम पर काटती है और मार्जिनल कॉस्ट एसी के लोअर पॉइंट पर काटती है, ठीक है ना, इसके लोअर पॉइंट पर काटती है। ठीक है, आगे देखिए आपके पास आया, वो आपके तो होते हैं इनवर्स यू शेप और ये आपके होते हैं यू शेप, और देखिए आप ध्यान से देखिए इसका मिनिमम पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, और इसका मिनिमम पॉइंट देखो कहाँ है, ठीक है, आगे समझ में? ओके, अब आया आपके पास लॉन्ग रन कॉस्ट का, अब बताओ शॉर्ट रन में आपने एक चीज पढ़ी है कि सारे यू शेप के थे, सारे यू शेप के थे ना, लॉन्ग रन में ऐसा नहीं है, लॉन्ग रन में होता है ए शेप, मतलब एल शेप के या इनवर्स जे शेप के, ठीक है। लॉन्ग रन में देखो ये बनेगा आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल गया अब आपका, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का हो, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, यानी वेरिएबल कॉस्ट तो है सारी आपके पास, क्या नहीं है, फिक्स कॉस्ट तो आपके पास है नहीं, ओके बहुत बढ़िया। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक पॉइंट अब लॉन्ग रन में इंपॉर्टेंट चलेगा। एलटीसी इज ऑलवेज इक्वल टू या लेस देन एसटीसी, या तो इक्वल मिलेगी एलटीसी लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट, या तो इक्वल मिलेगी या आपको कम मिलेगी, किससे, एलटीसी से। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एलटीसी लेस देन और इक्वल टू एसटीसी, अब किसकी ज्यादा होगी, एसटीसी, बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट होती है एसटीसी, क्या होती है, फिक्स कॉस्ट, या तो उसकी इक्वल मिल सकती है वो, या उससे कम मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है। और देखिए अब आपके पास आया लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन का मतलब क्या है, कोई भी फैक्टर आपका फिक्स नहीं है, कितना चाहे चेंज कर लो, आउटपुट करना है एक यूनिट भी कर सकते हो, यानी एक्सेस में प्लांट है उसको बेच दो, कमी पड़ रही है तो नया प्लांट लगा लो, और लॉन्ग रन का तो यही मतलब है, सब कुछ आपका चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पर लिखा है लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर अपना आउटपुट, ऑप्टिमम आउटपुट सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है, कोई भी फैक्टर कॉम्बिनेशन ले सकता है, मन करे वो आप नहीं ले सकते हो, जिससे उसकी कॉस्ट भी क्या आएगी, मिनिमम आएगी, इससे कम ही रहेगी आपकी हमेशा, एलटीसी से कम ही रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। और एक और बात आई, एलटीसी ना सारे एसटीसी को कवर कर लेगा, क्योंकि एक महीना एक महीना एक महीना करके 12 महीने 12 महीने करके एक साल, ऐसे शॉर्ट रन शॉर्ट रन शॉर्ट रन मिलाकर एक लॉन्ग रन, ठीक हो गई, चलो बहुत बढ़िया। हाँ ये देखो, एसटीसी कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होती, शॉर्ट रन कॉस्ट क्यों नहीं हो रही थी, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट था वो जीरो से स्टार्ट नहीं होता, क्यों नहीं होता ज्योति, क्यों आवाज नहीं आ रही, वहां पर कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, इसलिए आपका क्या होगा वो कभी जीरो से स्टार्ट, मतलब जीरो से स्टार्ट होगी एसटीसी, फिक्स कॉस्ट है तो, लॉन्ग रन में कभी भी फिक्स कॉस्ट नहीं होती तो वो कभी भी जीरो से स्टार्ट होगी नहीं, मतलब जीरो से स्टार्ट होगी, ठीक है। एलटीसी में पहले टीसी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का में टीसी टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, फिर कॉन्स्टेंट से, और फिर आपकी इंक्रीज होगी इस तरीके से। ये देखो ये कैसे हैं पता है आपको, ये ऐसे बना हुआ है, ध्यान से देखो, ये आपका एक शॉर्ट रन कॉस्ट, ठीक है, ये दूसरा,
एक और बना दिया हमने, ठीक है, तीन बन गए आपके, ओके बहुत बढ़िया। ये तो आपके तीनों एसटीसी है, ठीक है, और ये चला आपका लॉन्ग टर्म। देखो कहाँ से चल रहा है, ये देखो कहाँ से चले थे, ये जीरो से चला और इनको एनवलप किया पहले टाइम पीरियड में, इस आउटपुट पे इसको एनवलप किया, अब दूसरा आउटपुट देखा तो आगे चल पड़ा और आगे एनवलप करते हुए सभी को एनवलप कर लिया ना, हर एक को। आगे समझ में, ऑल एसटीसी एलटीसी के अंदर ही आते हैं, इसलिए क्या होती है एलटीसी में टीसी लेस देन होगी एसटीसी, ठीक है। अब मैक्स इतना ही पॉइंट बनेगा, आगे देखिए। देखो पहले आपके पास क्या कि कैपेसिटी है, ये भी अभी आपके थोड़ी देर में आ जाएगी। आप ना कभी भी जब प्रोडक्शन करना शुरू करते हो, ये वाली चीज़ देखिए, कोई भी आप प्लांट लगाते हो तो अगर आपके आज की डिमांड 1000 यूनिट है ना, तो आप जो प्लांट लगाए उसकी कैपेसिटी 1000 नहीं रखोगे, एटलीस्ट 2000 रखोगे, 2000-3000 फालतू रखोगे, 1500 तो रखोगे। अब मान लो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो फिक्स जो एक्सपेंसिव जो उसके लग रहे थे वो, मतलब है तो लॉन्ग रन, लेकिन मतलब जो कैपेसिटी उसको प्रॉपर यूटिलाइज बढ़ रहा है तो कॉस्ट कम आएगी ना, ठीक है ना। अब मैं इसके रेंट को आप सब पे बांटू, एक तो 10 बच्चों पे बांटू, एक 20 बच्चों पे बांटू, तो आप पे कम होती चली जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास ना और बच्चे आ गए, और प्रोडक्शन करना पड़ा, मेरे को नई बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, फिर क्या बनेगा, कॉस्ट बढ़ना शुरू होगी ना, एक टाइम के बाद कॉन्स्टेंट हो जाएगी, जिसको रिजर्व कैपेसिटी बोलते हैं, और उसके बाद नई जब मैंने ली है तो वो फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसलिए पहले कॉस्ट कम होती है, फिर कॉन्स्टेंट होगी और फिर आपकी बढ़ जाएगी। आई समझ में, क्लियर हुई, ओके। ठीक है ना, क्लियर होगी। अब देखो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कहो, अब लॉन्ग रन इसको ना एनवलप कहो बोलते हैं, याद रखना इसको, और क्या बोलते हैं, प्लानिंग कहो, क्योंकि एवरेज कॉस्ट के बेस पे ही सब कुछ प्लान होता है कि आपको प्रॉफिट नॉर्मल होंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे या आपके मिनिमम लॉस होंगे, ठीक है। मतलब इसी पर आपका देखना है सारी चीज़ें, इस पर डिसीजन लिया जाता है, इसमें डिफरेंट आउटपुट को बताता है। देखो ये कहो उन डिफरेंट आउटपुट को बताता है जहाँ पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है, हर एक शॉर्ट रन की मिनिमम पॉइंट को ये कवर करके चलेगा, ठीक है। आगे देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा इसमें मैं आपको। लॉन्ग रन में वो सारे आउटपुट लेवल जहां पर यूनिट कॉस्ट मिनिमम हो, वो मतलब शॉर्ट रन के हर एक पॉइंट को लेगा जहां पर आपकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, आपके लॉन्ग रन की टोटल एवरेज कॉस्ट वो आपकी कम हो रही होगी। लेकिन याद रहे शॉर्ट रन में क्या होता है, टाइम शॉर्ट रन होता है, कंपनी के पास 2 प्लांट है, एक एग्जाम्पल है, 2 फर्म वहां पर फंड इन्वेस्ट करती है जहाँ पर एसी मिनिमम होगी, ठीक है। अगर दूसरा प्लांट भी में भी इन्वेस्ट किया जाए तो भी रेशनल इन्वेस्टर उस कॉम्बिनेशन पर इन्वेस्ट करेगा जहाँ पर एसी ऑफ ऑल पॉइंट मिनिमम हो। मैं क्या कह रहा हूँ ये देखना ध्यान से, इसको छोड़िए, आप यहाँ देखिए, इस चीज से समझिए आप। हमने कहा कि जो लॉन्ग रन टोटल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, यानी LAC जो SAC है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, उसके मिनिमम पर काटती है। ये देखो ये SAC आ गया, इसका मिनिमम ये है, इसने टच कर लिया इधर ही, इसका मिनिमम इसको टच कर लिया, इसका मिनिमम इसको टच कर लिया, इधर टच कर लिया, इधर टच कर लिया, फिर बढ़ने लग गई LAC। अब आपसे कोई पूछा जाए कि आपका ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा, तो आप कहेंगे ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट वहाँ होता है जहाँ पर STC दोनों मिनिमम, वेरी गुड, ध्यान रखना। अब बात कही याद है ना कि LTC और STC इक्वल हो, ये देखिए इस पर भी इक्वल है, इस पर भी, ये नहीं चलेगा। क्या होनी चाहिए, LTC और STC का जहाँ पर भी मिनिमम पॉइंट होगा वहीं पर आपकी क्या होगी, ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। बात समझ में आई आपको, और इसको एनवलप कब देखिए आप बोल रहे हो, ये वाला देखो, आगे दिखाएंगे आपको, पर अभी ये देखो क्या समझ में आ रहा है आपको। मैं क्या कह रहा हूँ, मिनिमम एवरेज जो आपका प्रोड्यूसर का जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो वहाँ होता है जहाँ पर SAC और LAC दोनों का मिनिमम पॉइंट हो, और वो इस पॉइंट पर है, बाकी है यहाँ पर भी इक्वल, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो वो चाहिए, मिनिमम चाहिए, ठीक है। आई समझ में मुस्कान, ठीक है। देखो लेफ्ट साइड ऑफ ई, ये वाला जो पार्ट है ये अभी कॉस्ट कम हो रही है, और कम करो, राइट साइड में क्या हो रही है, कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो गई, तो आपका इक्विलिब्रियम के पॉइंट क्या हो गए, जहाँ पर
लॉन्ग रन कॉस्ट मिनिमम हो, शॉर्ट रन की वो जहाँ पर दोनों ही मिनिमम है, ठीक है। एलएसी को एनवलप करता है क्योंकि सारे एसीसी को इंक्लूड करता है। प्लानिंग क्योंकि इसी के बिहार पर हुआ, क्या करता है प्रोड्यूसर अपना इक्वल अपना आउटपुट है उसको चूज करता है, प्लान करता है, ठीक है। आया समझ में? अब क्वेश्चन आता है ऐसे एलएसी आपका यू शेप्ड क्या होता है? देखो मैंने अभी बताया कैपेसिटी पे डिपेंड करता है सारा। आपकी कैपेसिटी ना जितनी आपकी डिमांड है उससे थोड़ी सी ज़्यादा आप कैपेसिटी रखते हो तो जब तक वो पूरी नहीं होगी आपकी कॉस्ट कम हो रही होगी। जैसे ही वो पूरी हो जाएगी एक कॉन्स्टेंट होने के बाद, नहीं वो उसी से पहले हो जाएगी, वो ऐसे बनता ही आपका शेप। अब आगे दिखाऊंगा मैं आपको, अगर आपने देखा हो कभी बनाया हो, देखा है ना इकोनॉमिक्स में से, देखा है ना, ये आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी है। इकोनॉमिक कैपेसिटी का मतलब जैसे जैसे आप फिक्स इनपुट के साथ वेरिएबल लगा रहे हो या आपके वेरिएबल्स लगा रहे हो, आपकी जितनी भी रिमेनिंग कैपेसिटी जैसे ये देखिए वो उतनी यूटिलाइज फुल यूटिलाइज होगा तो कॉस्ट कम होगी। फिर मैंने कहा कि अब पहले देखो मेरी क्या अभी डिमांड कितनी की थी, अब मैक्सिमम 1000 बच्चों की डिमांड कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास बच्चे मान लो 100 है, मान लो ऐसे एग्जांपल ले लो, मेरे पास कितना है 900 बच्चों की अभी प्रेजेंट में डिमांड और हो सकती है। मेरे पास सिटिंग कैपेसिटी 1500 की है तो 500 वो रिजर्व कैपेसिटी है। मेरी अभी डिमांड कितनी है 1000 रुपये है मैक्सिमम, 1000 है, 200 है मेरे पास पेंडिंग, कितनी है 800। जब तक मेरे पास वो 800 आएंगे तब तक मेरे पास कॉस्ट कम होएगी। फिर मेरे पास जो रिजर्व कैपेसिटी है उसको फुलफिल करने के लिए मेरी कॉस्ट कॉन्स्टेंट हो जाएगी, और जब वो भी फुलफिल हो जाएगी तो मेरी कॉस्ट फिर से बढ़ेगी। तो ये तो आपके क्या होगी इकोनॉमिक कैपेसिटी, बढ़ाते चलो इकोनॉमिक कैपेसिटी। जब आपकी कॉस्ट कॉन्स्टेंट हो जाएगी मतलब ये आपका रिजर्व कैपेसिटी, ये क्या आपकी रिजर्व कैपेसिटी, और ये क्या आपकी एक्सेस कैपेसिटी, मतलब आपको ज़्यादा चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट है कैपेसिटी से भी ज़्यादा, ठीक है। इसमें क्या होगी, इसको डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल भी बोलते हैं, आगे दिखाएंगे इसको पूरा, ठीक है। देखो ये यू शेप क्यों होता है, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा पहले एवरेज कॉस्ट कम होगी, फिर कॉन्स्टेंट होगी, फिर आपकी बढ़ जाएगी। ये किस वजह से हो रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और आपकी डिसीजन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप देखिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, ये अभी मैंने बताया इकोनॉमीज ऑफ स्केल को होता है, जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी कॉस्ट कम है, और जैसे जैसे आपकी को आउटपुट बढ़ाए एक लिमिट तक मिलेगा आपको इकोनॉमी स्केल, लेकिन आप बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो तो फिर आपकी कॉस्ट भी आपकी बढ़ने लग जाएगी। तो पहले आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है, फिर आपको डिस इकोनॉमीज, यही पैटर्न होता है इकोनॉमीज फिर आपको डिस इकोनॉमीज, ठीक है, ओके। ये देखा इसमें तो क्या था, आपकी कॉस्ट कम हो रही थी और यहाँ पर आपकी आउटपुट बढ़ा, कॉस्ट भी आपकी बढ़ने लग गई, ठीक है, इतना ठीक है। और लॉन्ग रन में मार्जिनल कॉस्ट का हुआ वही आपका चाहिए, कुछ भी हो रहा हो। एक चीज़ आपने देखी थी कि शॉर्ट रन में एलएसी और जो मार्जिनल कॉस्ट ऐसे काट रहा था, एवरेज कॉस्ट का हो एसएससी जो होता और मार्जिनल कॉस्ट ऐसे नीचे से कट कर रहा था, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं होता है इसमें। अभी तो इसमें क्या होता है, इसमें जो शेप बनेगा वो भी आपका यू शेप का ही बनेगा, इस तरीके का ही। इसमें भी क्या होगा आपका यू शेप का होगा, मॉडर्न थ्योरी कहती है वो, कि इसमें तो क्या होता है कि नीचे से काटेगा एनवलप करेगा। ये तो थी किसकी, आपके ट्रेडिशनल थ्योरी में यू शेप की बनी। आई समझ में आपने, कोई डाउट है अभी तक, ओके। उसके बाद देखिए आपके पास जो आया